असल मिली नहरू मैं होजा चाय वाला मिली नहरो क्या आप मानेंगे कि आप 25-26 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं मैं जानता हूं कि आपको बताया गया कि 60 साल तक आपको काम करना और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है तब आप रिटायर होते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं आपके जहन में ना लेकिन बत्ती जगाने वाला हूँ कि इट इज़ पॉसिबल टू तो रिटायर एट पच्चीस छब्बीस क्योंकि मैं जिंदगी में दो बार रिटायर हो चुका हूँ अभी मैं चालीस को हिट कर रहा हूँ एंड आई ऑलरेडी रिटायर्ड ट्वाइस छब्बीस साल की उम्र में पहली बार रिटायर हुआ था फिर मैं तेतीस साल की उम्र में रिटायर हुआ एंड अब जाके मैं तीसरी बार अपनी जिंदगी में फिर कारोबार की दुनिया में मैंने कदम लिया एंड अन करीब जब मेरी जरूरत ना रही इस कारोबार में आई रिटायर रिटायर और होने के बहुत फायदे हैं ट्रडिशनली जब हम रिटायर होते हैं तो वॉट है साठ साल की उम्र में पचास फीसद जो बंदे हैं ना वो पांच साल के अंदर मार जाते हैं बिकॉज बूढ़े होते हैं उनकी कोई दिलचस्पियां नहीं होती उनका वो जो रूटीन है वो टूट जाता है एंड वो दिमाग खत्म हो जाता है वो कीमती नहीं रहते एंड दे डाई फैक्ट ऑफ लाइफ लेकिन जब आप जल्दी रिटायर होते हैं तो क्या होता है कि आप यार अपने प्यारों से घर वालों के साथ यू कैन स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम आप उस चीज पे काम कर सकते हैं जिसमें एक्चुअली आपको मजा आता है वो काम नहीं आपको लगता यू कैन ट्रेवल द वर्ल्ड यू कैन लर्न वट एवर यू वॉन्ट आप अपनी मर्जी से उठते हैं जागते हैं तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको वो फॉर्मूला सिखाने वाला हूं जो मैंने अपने पे आजमाया एंड इट वर्क यही फार्मूला अगर आप आजमाएंगे तो आप भी इन जल्दी रिटायर हो सकेंगे लेकिन एक बड़ी शर्त इसकी है राइट कि आपको कारोबार करना पड़ेगा थ्रू ट्रेडिशनल नौकरी शदीद मुश्किल है थ्रू कारोबार आसान है सबसे पहली चीज आपको जिंदगी में कारोबार करना जल्द अज जल्द, जल्द शुरू करना होगा मैंने 12 साल की उम्र में कारोबार करना शुरू किया जिसको आज तो यार आप उस उसमें हंसोगे ये कारोबार था टाफिया बेचना कारोबार था बट इट वॉज खरीदो फरोख्त बाइंग सेलिंग प्रॉफिट लॉस निगोशिएशन सारा कुछ मुझे वहाँ से सीखने को मिला सो यू हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल किसी चीज़ को आपने हकीर नहीं समझना क्योंकि अगर आपकी बुनियाद तगरी होगी तो इमारत भी ज़ाहिर है उस पर आराम से खड़ी हो सकेगी और ऊंची से ऊंची खड़ी हो सकेगी सो so अगर बुनियाद माड़ी हो तो बिल्डिंग तो अच्छी ऊंची तगरी तो नहीं होगी वो गिरने के उसके चांसेस हैं तो आपकी बुनियाद जल्द अज जल्द शुरू करने में और कुछ भी शुरू करने में है तो यू मस्ट डू दैट दूसरी चीज़ आपने यार वो पाथ नहीं लेनी जो सारे के सारी आवाम ले रही है दुनिया में देखो नब्बे फीसद लोग नौकरी करते हैं दस फीसद कारोबार करते हैं नब्बे फीसद दौलत दस फीसद वाले लोगों के पास होती है और दस फीसद जो काम कर रहे होते हैं उनके पास होती है तो अगर इफ यू रियली वॉन्ट टू रिटायर अगेंस्ट जॉब्स अगर आपको जॉब करनी है करें बट अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट देनी है तो आपको कारोबार वाली दुनिया में आना पड़ेगा एंड आप वो नहीं कर पाएंगे जो पूरी दुनिया कर रही है क्योंकि पूरी दुनिया जो कर रही है वो रिजल्ट उनको मैंने आपको समझा दिया यू हैव टू डू समथिंग मुनफरत यानी कि कारोबार तीसरी चीज आपको बहुत सारे स्किल्स हुनर इकट्ठे करने पड़ेंगे एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन एंड यार कॉपी राइटिंग एंड प्रोग्रामिंग वो हैं वो अपनी जगह है बट यार 12 साल के उम्र में जब मैंने टॉफियाँ बेचना शुरू की थी तो मेरे पास कौन से स्किल आए थे डीठपन भाई हिम्मत नहीं हारनी गर्मी हो सर्दी हो लोगों के ताने सुनने भाई तो दीज आर स्किल्स बेचना खरीदना स्किल जो आप गठा कर सकते हो आपको अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएगा वो और फिर चौथी चीज वर्क स्मार्ट हार्ड करना है लेकिन थोड़ी स्मार्ट भी करनी है अगर आपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो कम से कम औरों की मदद ले लो मैंने स्मार्ट कैसे किया मैं ऐसी ऐसी मार्कों में गया जहाँ पे पहले लोग बहुत कम थे मैंने डोमेन्स खरीदे तो भाई बहुत ज़्यादा साबित हुआ मेरे लिए वो कामयाब हर बार मैं गेम्स में गया मैं एडवर्टाइजिंग में गया डिजिटल एडवर्टाइजिंग की एजेंसीज किसके पास उस वक्त बहुत कम थी मैंने भी खोली अपनी मैंने भी गेम्स वाली इंडस्ट्री में कदम रखा मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की जो पहले लोगों ने नहीं की थी और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कम से यानी ज्यादा बार फायदा ही हुआ उनमें तो क्या किया मैंने आई स्मार्ट गोइंग वो वो चीज़ें जहां पे 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 भीड़ कम कम है जहां पे रश कम है रश आजमाई नहीं गई वहां पर मुझे पता था ज्यादा कामयाबी मिलेगी मुझे और वहां पर लीडर बनना मेरे लिए आसान होगा और दूसरी मैंने चीज क्या की मैंने जितनी जल्द अपनी जिंदगी में मैं किसी को भर्ती कर सका अपनी मदद करने के लिए उनकी मदद मैंने ली तो मैंने टीम्स, टीम्स के बाद टीम्स बंदों के बाद बंदे हायर किए ताकि आई कैन यार शायद अगर मैं वो माड़ी माइंड सेट वाला होता छोटी माइंड सेट वाला होता तो कहता नहीं यार सारा पैसा मैं अपने पास रख लेता ठीक है एक जमाना था चौबीस लोगों की जॉब मैं कर रहा था और वही जॉब बाद में चौबीस लोगों ने की बट वो जब कर रहे थे वो मेरे से बेहतर कर रहे थे एंड मैं फ्री हो गया था टू एक्चुअली डू अदर थिंग्स सो आपने भी यही करना है वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड नॉट हार्ड भी करें एंड स्मार्ट भी करें पांचवी चीज आपको ना अपनी मीन कमाई से कम आपको रहना है

एक मैं कमाने वाला और फिर मेरे डेढ़ों सारे एसेट्स जो आ, मेरे लिए कमा रहे हैं कहते हैं कि एक मिलियन के अक्सर सात ज़रा होते हैं इनकम के मैंने एक बार गिनना शुरू किया बाईस पे मेरी गिनती पहुंची तो मैंने कहा यार अलहमदिल्ला आई प्रॉबली हैव मोर इनकम सोर्सेज दैन ट्वेंटी टू लेकिन आई थिंक ट्वेंटी टू पर मैंने कहा यार अल्लाह सुबहानल्लाहमदिल्ला राइट right? पता ही नहीं चला बस बनाता गया हूँ एंड दैट समथिंग यू डेफिनेटली नीड टू डू सबसे आखिरी वाली चीज़ कि आपको सिस्टम्स क्रिएट करने हैं मैंने क्या कहा एक मैं हूं ना और फिर मेरे पास डेरू से कई सौ बंदे जिन्होंने मेरी जिंदगी में मेरी मदद की एंड वो बंदे यार मैं उनको हमेशा पुश पुष निकाला था उनके सर पे डंडा लेके कर खड़ा नहीं था उनको बस एक रास्ता दिखाया उनको बताया कि यार ये सिस्टम इस तहत के मुताबिक आप चलते जाएं मेरी हेल्प करते जाएं एंड वो चलता गया अब जो बिजनेस मैं आपको भी समझा सकता हूँ इंस्टीट्यूट के बिजनेस में मैं अब दाखिल हो चुका हूँ एज ए कारोबार इस्लामाबाद मुझे महीना गए हुए हुआ है लाहौर अभी सेटअप हो रहा है लाहौर वी आर जस्ट कमिंग छः हफ्ते बाद इन विल बी लाइफ मैं हर बार वहाँ पे नहीं हूँ उनके सर पे नहीं हूँ यहाँ से सेंट्रली कंट्रोल करूँगा हर चीज़ फिर हम कराची जाएंगे फिर हम फैसलाबाद पेशावर दुबई लंदन अमेरिका पूरी दुनिया में फैल जाएंगे विद इन नेक्स्ट टू थ्री ईयर्स बट आप नहीं पाएंगे मुझे कि यार हर जगह मैं जा रहा हूँ ऑनर और रेगुलर बेसिस हर बंदे से मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो नहीं मैंने एक सिस्टम बनाया या सिस्टम बनाता जाऊँगा और सिस्टम के तहत और लोग मेरी मदद करते जाएंगे और उस सारे सिस्टम को चलाएंगे एंड दैट्स हाउ यू रिटायर अर्ली आई होप आपको समझ आइए आई होप इस पर आप अमल करेंगे बिकॉज जब आप अर्ली रिटायर होते हैं मैं छब्बीस साल की उम्र में क्यों रिटायर हुआ छब्बीस साल की उम्र में मैंने दुबई छोड़ दिया आई वेंट बैक टू दूके भाई मेरे जो वहाँ पे कजन है वो रोल रहे हैं ज़ाया हो रहे हैं मुझे उनकी असलाह करनी है वहाँ पर हम ईद तक नहीं सेलिब्रेट करते थे और मैंने जाके उन्नीस उन्नीस बीस बीस बाईस बाईस कजनों को यार ईद मनवाई है उनको फुटबॉल खिलाया उनको जोड़ा है वी वेंट आउट हमने वेंसडे गेट टुगेदर होती है वो की सबको मिलाया ताकि हम एक दूसरे की असलाह कर सकें ना कि हम यार हमारे वहाँ पे बच्चे रुल जाते हैं और मैंने रुलने से ना बच्चों को बचाया फिर आई वेंट बैक इन टू बिजनेस मैंने कहा यार वो वेब की गेमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मैंने ठीक ठाक कमा लिया तो फिर मोबाइल गेमों का सिलसिला शुरू हो गया टू में टू में मैंने फिर वो करना शुरू कर दिया तो अनटिल अबाउट 2014 15 मैंने मोबाइल गेमों में खुद बैठ के गेमें बनाई खुद चीज़ें सारा कुछ की नॉट माय इन्वेस्टमेंट्स एंड नाम मेरे को फाउंडेड स्टूडियोज uh, खुद के चलाए एंड फिर जब मैंने रिटायरमेंट ली मैंने कहा यार आप लोगों को मैंने सिखाने की कीमती किस तरह होते हैं पैसा किस तरह कमाते हैं और अब तीसरी बार जब मैं रिटायरमेंट में निकल के ये करने जा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं, नहीं खोल रहा कोई सुधर ही नहीं रहा वही घटिया रटे वाला रास्ता अपना रहे हैं तो मैंने कहा ना यार मैं इनको ऑप्शन देता हूँ एक अच्छा क्वालिटी ऑप्शन देता हूँ तो फिर बाद में जब मेरी नकलें निकल आई देरूसी तो यार मैं फिर से रिटायर हो जाऊँगा ठीक है तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ अर्ली रिटायर होना आप अपनी मर्जी का जो भी आपका दिल करता है वो कर सकते हैं यू कैन चेंज द वर्ल्ड एंड आई आई बिलीव के छो सर्टन एक्सन मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद अपना ख्याल रखिएगा जाओ मेरे बब्बर शेर मिलियन एरो छा जाओ एंड गो चेंज पहले अपनी दुनिया फिर और